हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे थे मैथ्स 2 से सिमिलैरिटी चैप्टर। फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो फ्रेंड्स, वो थ्योरम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको बोर्ड में पूछ सकता है फॉर 3 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो डेफिनेटली पेपर में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज़ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फ्रेंड्स, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, बट फ्रेंड्स फिर भी हमें ये जो थ्योरम है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस थ्योरम को फ्रेंड्स हमें बहुत बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, और फ्रेंड्स इस थ्योरम से हम 2 मार्क्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और फ्रेंड्स, यह थ्योरम की स्टेटमेंट, सो देखते हैं क्या है इसका मतलब। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है यहाँ पे, अगर एक लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है किसे, एनी 2 साइड्स किसके, ऑफ अ ट्राइंगल के, और किस तरह डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है किसे, किसी भी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के, और किस तरह डिवाइड कर रही, इन द सेम रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा है तो फिर देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो फ्रेंड्स, 2 साइड को तो वो डिवाइड कर रही, तो एक साइड बच गई, तो फिर वो लाइन जो साइड बच गई उसे क्या रहेंगी, वो पैरेलल रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक लाइन जो डिवाइड कर रही है ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड्स को। ठीक है, और वो इस तरह डिवाइड कर रही है कि उन 2 साइड्स का जो डिवाइडिंग रेशियो है वो क्या है, सेम है। और अगर ऐसा है तो फिर वो लाइन जो थर्ड साइड बची है उस ट्रायंगल की उसे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। सो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये देखिए, यह है ट्रायंगल ए बी सी जिसमें हमने देखा एक लाइन एल जो क्या कर रही है, ट्रायंगल के 2 साइड्स को, मतलब ए बी और ए सी को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, और वो किस तरह डिवाइड कर रही है, तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, सेम है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इसमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। तो फ्रेंड्स, क्या है गिवन, एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल डिवाइड्स किसे, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी एट पॉइंट्स, किस तरह, एट पॉइंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, और किस तरह, सच दैट क्या, इट डिवाइड्स द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब इस तरह डिवाइड कर रही है ये 2 साइड्स का जो रेशियो आएगा वो रहेगा सेम। तो फ्रेंड्स, हम इन 2 साइड्स का डिवाइडिंग रेशियो कैसे लेंगे, तो हम ले सकते हैं ए एम बाय एम बी, ये हो गया ए बी का डिवाइडिंग रेशियो, सच दैट ए एम बाय एम बी। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा रेशियो कैसे रहेगा, ए सी का, वो रहेगा ए एन बाय एन सी, ए एन बाय एन सी। और फ्रेंड्स, ये जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है इन 2 साइड्स को। ठीक है, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब हमें प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव। सो क्या प्रूफ करना है, कि लाइन एल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और कौन है थर्ड साइड, सेगमेंट बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक, और उसकी स्टेटमेंट। तो फिर हमें इन दोनों थ्योरम में
डिफरेंशिएट करने में इजी जाएगा कि एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो क्या है यहाँ पे, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक लाइन है फ्रेंड्स जो है पैरेलल किसे, टू अ साइड, टू किसी भी एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट कर रही है किसे, रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड को, किसके, ट्राइंगल के, तो ऑब्वियसली एक को पैरेलल हो गई तो दो साइड और बच गए, तो वो दो साइड को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, और कितने पॉइंट्स में, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, दो सेगमेंट को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो देन आपको प्रूफ करना है द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको प्रूफ करना है कि वो लाइन, वो जो दो साइड्स हैं, उन दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जैक्टली हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के साइड को और इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग टू साइड्स को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर ऐसा है तो फिर वो लाइन क्या करेंगी, रिमेनिंग टू साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार यहाँ पे फिगर में, तो एग्जैक्टली क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि लाइन एक एल है जो ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब लाइन आपको दी है पैरेलल और इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। तो अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन इन दो साइड्स को क्या कर रही, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है इसमें आपका गिवन, तो इसमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी लाइन एल इज गिवन पैरेलल किसे, सेगमेंट बी सी एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, द रिमेनिंग साइड्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपको दिया है कि वो पैरेलल दिया है और वो इंटरसेक्ट कर रही है बस दो पॉइंट्स में। तो फिर आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव आपको प्रूफ करना है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स, देन द लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। सो फ्रेंड देखिए ये एल ए बी को डिवाइड कर रही है, तो क्या रहेगा ए बी का डिवाइडिंग रेशियो, तो ये रहेगा ए एम बाय एम बी। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही लाइन एल ए सी को डिवाइड कर रही है, तो क्या रहेगा ए सी का डिवाइडिंग रेशियो, ये रहेगा ए एन बाय एन सी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन डिवाइड्स कर रही है उन दो साइड्स को, वो किस तरह डिवाइड कर रही, सेम रेशियो में। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये डिवाइडिंग रेशियो ए बी का और ये डिवाइडिंग रेशियो ए सी का, ये दोनों डिवाइडिंग रेशियो क्या है, सेम है, ये हमें प्रूफ करना है। सो फ्रेंड्स, क्या हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ चुका है दोनों थ्योरम का, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में? तो फ्रेंड्स देखिए एक बार फिर से, यह है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जहाँ पे क्या दिया था आपको, लाइन डिवाइड कर रही सेगमेंट ए बी ए सी को, ठीक है, एट पॉइंट्स सच दैट ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल। मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में एक लाइन क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है। ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है। और फ्रेंड्स अब देखिए बीपीटी में, तो इसमें क्या फ़र्क है फ्रेंड्स, इसमें हमें दिया है कि एक लाइन है एल जो पैरेलल है और दो साइड को जस्ट इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लाइन पैरेलल आपको दी है और वो इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड में। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि अब ये जो रेशियो रहेगा उन दो साइड्स का जिसे वो डिवाइड कर रही है, वो रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, तो इस तरह इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, आपको
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या दिया रहता है, लाइन पैरेलल दी रहती है एक साइड को, और आपको प्रूफ करना पड़ता है कि रिमेनिंग टू साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में फ्रेंड्स क्या दिया रहता है हमें, हमें दिया रहता है कि लाइन एल क्या कर रही है, दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि वो लाइन थर्ड साइड को क्या है, पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये दोनों का एक मेक का ये उल्टा है, इसलिए इनको हमने बोला है यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका उल्टा यह है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बहुत बार इस थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है, और तब हमें उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से पता चाहिए कि बीपीटी कौन सा है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से क्या डिफरेंस है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या दिया रहता है आपको, आपको दिया रहता है लाइन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, और क्या प्रूफ करना पड़ता है कि वो लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया रहता है कि एक लाइन टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, सो क्या प्रूफ करना है कि वो लाइन थर्ड साइड को क्या रहेंगी, पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह देखिए यह है डिफरेंस बिटवीन बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अभी तक आपने उस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रॉपर्टी जो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तब तक फ्रेंड्स आप फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।